हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खई। भाई जो आईपीएल चल रहा है 2022 सीजन 15, ये क्या सीजन घट रहा है यार। मतलब देखो, हर दिन रोमांचक मैच हो रहे हैं, कुर्सी की पेटियां बांध के हम सभी लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन इस आईपीएल के बीच में ही एक बड़ा रिटायरमेंट आप देखने वाले हैं। जी हाँ, चेन्नई के लेजेंड जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जिन्हें आप फिलहाल कमेंट्री करते हुए ज़रूर देख रहे हैं। कुछ ही वक्त में आपको वो पूरी तरीके से क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायर होते हुए नजर आएंगे। कौन है वो खिलाड़ी, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को आपको फटाफट सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर प्रेस करनी है, ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब बात करते हैं कि कौन है वो खिलाड़ी जो कि संन्यास लेने वाला है पूरी तरीके से क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से। दरअसल देखें, ये खिलाड़ी जो है चेन्नई के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। चिन्नाथाला इन्हें कहा जाता है, धोनी के खास दोस्त हैं, अब तक तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेश रैना की, जो कि फिलहाल हिंदी कमेंट्री करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अलग अंदाज उनका देखने को मिल रहा है कमेंट्री में, जो वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द वो यूज़ करते हैं, स्पेशली यूपी के, वो बड़ा ही देख के जो है मज़ा सा आ रहा है। लेकिन बहुत जल्द आप सुरेश रैना को जो है रिटायरमेंट लेता हुआ देखेंगे। 2020 15 अगस्त को ज़रूर जो है उन्होंने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से ले लिया था, जब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट लिया था। उसके कुछ ही देर बाद रैना की भी खबर आ गई थी, लेकिन अब चूंकि उनको ना चेन्नई ने खरीदा इस साल, ना ही किसी और फ्रेंचाइजी ने उन पर दाव लगाया, ऐसे में सुरेश रैना जो हैं आप पूरी तरीके से क्रिकेट को अलविदा कहने का प्लान कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप चाहेंगे कि सुरेश रैना जो हैं उनकी जो ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही रिटायर हूँ, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ, वैसे आईपीएल में भी ज़रूर देखने को मिले। बट ऐसा हो ना सका। कुछ दिन पहले ही मैच में जब चेन्नई और केकेआर आमने सामने हो रहे थे, तभी काफ़ी इमोशनल हुए रैना। वो चाहते थे कि वो चेन्नई के लिए जो है आखिरी दफ़ा ज़रूर येलो कलर्स में नज़र आएँ, बट किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और सुरेश रैना फिलहाल कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस साल आईपीएल के बीच में ही सुरेश रैना जो हैं आपको रिटायरमेंट लेते हुए पूरी तरीके से नजर आ जाएं। कैसा रहा चेन्नई के लिए उनका करियर, भैया इसमें तो कोई दोराय है नहीं, बड़ा ही जबरदस्त उनका करियर रहा है। बतौर कॉमेंटेटर वो जरूर अपने एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपकी कोई फेवरेट मेमोरी सुरेश रैना के लिए रही है, जरूर कॉमेंट करके बताइए। चेन्नई के कलर्स में 4 बार चैंपियन उन्होंने बनाया टीम को, उसके बारे में जरूर बताइए। कौन सा जबरदस्त मूवमेंट आपके लिए रहा है सुरेश रैना का। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।